मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत ने निश्चित रूप से इस देश के केंद्र सरकार को कृषि कानूनों को लेकर अपने स्टैंड पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर अवश्य किया होगा। यह अब तक की सबसे बड़ी किसान महापंचायत कही जा रही है। इस महापंचायत में कितने लोग शामिल हुए इसका कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि कितनी लाख संख्या थी, 1 लाख थी, 5 लाख थी या 10 लाख, इसकी गिनती करना मुश्किल है। जिस GIC ग्राउंड में पंचायत हो रही थी वो पूरा भरने के बाद पूरे शहर में किसान थे और शहर से जुड़ी हुई प्रत्येक सड़क पर कई कई किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉलीज की लाइन थी। तो निश्चित रूप से इस किसान महापंचायत के कुछ महासंदेश इस देश में गए हैं। ऐसे ही 5 संदेशों को आइडेंटिफाई करके आपके सामने रख रहा हूँ। पहला संदेश उन लोगों के लिए है जो इस आंदोलन की वैधता पर लगातार प्रश्न खड़े कर रहे थे, चाहे वो कुछ मीडिया संस्थान हो जो इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी एंटी नेशनल बताते थे, चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हो या सरकार के मुखिया हो। एक तरफ तो सरकार किसान संगठनों से बातचीत का दिखावा कर रही थी और दूसरी तरफ इस देश के प्रधान सेवक आंदोलन कर रहे किसानों को मुट्ठी भर किसान कह रहे थे। विदेश मंत्रालय में नई नई बनी राज्य मंत्री ने इस देश के किसानों को मवाली तक कह दिया। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत ने इस आंदोलन की वैधता पर सवाल खड़े करने वाले पूरे नैरेटिव को, पूरे एजेंडे को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया है और ये साबित कर दिया है कि हमारे देश में आजादी के बाद का सबसे बड़ा किसान आंदोलन प्रगति पर है। इस किसान महापंचायत का दूसरा महासंदेश यह है कि अब इस आंदोलन का दायरा बढ़ रहा है, चाहे क्षेत्र की बात हो, सामाजिक वर्गों के जुड़ने की बात हो या अन्य मुद्दों को इस किसान आंदोलन में शामिल करने की बात हो। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में देश के लगभग सभी राज्यों के किसानों ने भाग लिया, यहाँ तक कि तमिलनाडु से भी 10 किसानों का जत्था इस पंचायत में भाग लेने के लिए आया। तेलुगु और कन्नड़ भाषी किसानों ने अपने भाषण दिए, जिनके हिंदी में तर्जुमे करके लोगों तक पहुंचाया गया। साथ ही इस आंदोलन में अब अलग अलग सामाजिक वर्गों जैसे मजदूरों की भागीदारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। अन्य सामाजिक वर्गों का भी इस किसान आंदोलन को समर्थन है और साथ ही साथ उनकी भागीदारी भी हो रही है। आंदोलन ने देश के व्यापक हितों से जुड़े हुए अन्य मुद्दों को भी शामिल करना प्रारंभ कर दिया है, जैसे देश में सरकारी संपत्तियों का निजीकरण, जिसका आजकल नया नामकरण हुआ है मोनेटाइजेशन, बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में लगातार होती वृद्धि जिसने आम आदमी की कमर बिल्कुल तोड़ करके रख दी है, इन सारे मुद्दों को भी किसान आंदोलन ने अपने में समेट लिया है और इसका दायरा बढ़ रहा है। इन सभी चीजों से इस किसान आंदोलन की वैधता और विश्वसनीयता दोनों और भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। ये सड़कों को बेचने का काम करेंगे, क्या-क्या चीज बिक्री है, ये सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है, ये है LIC जो बड़ी कंपनी देश की, बैंक, ये सब बिक रहे हैं, इनके खरीदार कोई और नहीं है, खरीदार अडानी और अंबानी है, ये बिक रहे हैं सब। FDI की जमीन जहां पे हमारा भंडार मरता था, वे पूरी जमीन, पूरे गोदाम अडानी को दे दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत का तीसरा महासंदेश है हिंदू मुस्लिम एकता, जो इस देश की मिट्टी में सदियों से रची बसी है और जो मुजफ्फरनगर और साथ ही देश के अन्य क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमती पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक मजबूत आधार रही है। इस संदेश को हम दो स्तरों पर समझ सकते हैं, पहला स्थानीय स्तर पर और दूसरा व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद इस क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता पर एक कठोर आघात हुआ था और दरार पड़ी थी। किसान आंदोलन ने उन दरारों को भरने का काम किया है और दोबारा से हिंदू मुस्लिम यूनिटी को स्थापित करने में ये काफी हद तक सफल रहा है। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में लगने वाले अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे इसी यूनिटी की हुंकार हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस संदेश का बहुत ज्यादा महत्व है। वर्ष 2014 के बाद हमारे देश में एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, विचारधारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है, जो बिना किसी लाग लपेट के हमारे देश के मुसलमानों को एक सेकंड क्लास सिटीजन, द्वितीय स्तर का नागरिक बनाने पर तुला है। ये बात सुनने में जितनी सामान्य लग रही है उतनी सामान्य है नहीं, बल्कि बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म, लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता का चोली दामन का रिश्ता है। ये दोनों आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि बिना पंथ निरपेक्षता के लोकतंत्र संभव ही नहीं है। अगर इस देश के एक नागरिक को भी सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाता है तो वो बड़े स्तर पर आगे इस देश में लोकतंत्र को भी बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
जिसका खामियाजा हम सभी को भी भुगतना पड़ेगा। देश की आजादी के लिए लड़ने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानी, चाहे वो भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना आजाद हो या सरदार पटेल हो, सभी ने हिंदू मुस्लिम एकता की ही बात की है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लगातार प्रयास किए हैं। इस एकता में जब दरार पड़ी, उसी का नतीजा रहा भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान में। इसलिए मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत वर्ष 2014 से हमारे देश में जो विचारधारात्मक परिवर्तन हुआ है, जिसके अनुसार इस देश की सभी समस्याओं का कारण जवाहरलाल नेहरू हैं और इस देश की सभी समस्याओं का समाधान एक नेता में है, इस विचारधारात्मक परिवर्तन को मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत डायरेक्टली काउंटर करती है और किसान आंदोलन को आइडियोलॉजिकली, विचारधारात्मक रूप से एक वाइडर बेस ग्रहण कराती है। चौथा संदेश महापंचायत का यह है कि अब किसान आंदोलन नई फेज में प्रवेश कर चुका है। पहले फेज में किसान आंदोलन दिल्ली की चौखटों पर सिंघू बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर, शाजापुर बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर तक सीमित रहा। दूसरे फेज में पंचायतों और महापंचायतों का दौर चला और मजदूरों की भागीदारी बढ़ी। अब आंदोलन तीसरे फेज में प्रवेश कर चुका है, जहां पर अलग अलग सामाजिक वर्गों की भागीदारी बढ़ने के साथ साथ देश के अलग अलग क्षेत्रों के किसानों की लामबंदी के प्रारंभिक चिन्ह बिल्कुल स्पष्ट हैं। आंदोलन ने विचारधारात्मक रूप से केंद्र सरकार को डायरेक्ट चुनौती दे दी है और अब किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, ताकि लोकतंत्र में वोट की शक्ति के माध्यम से इस आंदोलन की धार को और अधिक तीव्र किया जा सके और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। और पांचवा मैसेज सरकार के लिए है कि भले ही उसने बहुमत के होते हुए कृषि कानूनों को संसद में पास करवा लिया हो, लेकिन अब किसान सड़कों पर उतर करके अपना बहुमत साबित करेंगे। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत को देख करके निश्चित रूप से सरकार पर दबाव आएगा, क्योंकि अब ये किसान आंदोलन 2022 के विधानसभा चुनाव पर असर डाल सकता है। और जिसको कोई भाषा समझ में ना आती हो, उसको वोट की भाषा जरूर समझ में आएगी। शायद यही कारण है कि बीजेपी के एक लीडर जो यूपी से आते हैं, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सरकार से अपील की है कि वो किसानों से बात करें। दोस्तों, मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत ने 5 महासंदेश इस देश को दे दिए हैं, जो आने वाले दिनों में इस देश की दशा और दिशा दोनों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अफगानिस्तान सीरीज का दूसरा एपिसोड भी जल्दी ही आने वाला है, इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं उस वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।